नमस्ते देवी सज्जनों, का आपका स्वागत है गॉड टॉक्स में, जहाँ पे सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं दमन मूवी के बारे में, क्योंकि ये आज 3 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है हिंदी डब में अपने संकेत महात्रे सर की आवाज में। तो आइए जानते हैं कि कैसी थी ये मूवी, मुझे कैसी लगी और आपको कैसी लग सकती है। तो बिना किसी मच्छर से कटे इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। ये रैकेट निकालते ही साले मच्छर गायब हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो एक इंडियन ओडिया एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसकी स्टोरी सेट है 2015 में, जिसमें सिद्धार्थ नाम का एक यंग डॉक्टर होता है जिसने अभी भी MBBS कंप्लीट किया है और उसके दोस्तों की जो पोस्टिंग्स होती हैं वो तो अच्छी अच्छी जगह हो जाती है, लेकिन जहां उसने सोची थी उसकी पोस्टिंग वहां नहीं हो पाती। उसकी पोस्टिंग होती है उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में, जहां पे तकरीबन 151 गांव होते हैं और उनमें से कुछ गांव नक्सलियों के प्रभाव में होते हैं या फिर बुनियादी सुविधाओं के लिए बदनाम होते हैं। शुरू में सिद्धार्थ को वहां पे अच्छा नहीं लगता और वो वहां से वापस जाना चाहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस जिले में मलेरिया बहुत फैल रहा है जिससे बहुत लोगों की जान भी जा रही होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल या फिर दवाइयाँ है ही नहीं। लोग बाबा के पास ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना, और उसी चीज को सिद्धार्थ चेंज करना चाहता है कि लोग बाबा को छोड़कर डॉक्टर के पास आए। और उसके इस बदलाव के रास्ते में बहुत सारे कांटे भी आते हैं, जैसे कि नक्सलवादी उसे परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर मेडिकल इक्विपमेंट आया तो पुलिस भी आएगी और पुलिस से उनको खतरा भी हो सकता है, और वहां की पब्लिक ही उनकी नहीं सुन रही और सरकार भी उतना कुछ खास साथ दे नहीं रही है, और इतनी सारी मुश्किलों के बीच में वो कैसे बदलाव लाएगा, ये जानने के लिए हम लोग को मूवी देखनी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज और बतानी थी कि ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। जी हाँ, सच्ची। तो अभी बात करें इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो बाय गॉड की कसम दिल जीत लिया इस मूवी ने। मतलब ये फिल्म आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बांधे रखेगी। मतलब इस फिल्म के जो शॉट्स हैं और डायलॉग्स हैं कसम से दिल छू जाते हैं। मतलब एक सीन था इंटरवल के टाइम पे डिलीवरी वाला, वो मेरे को बहुत इंटेंस लगा था, मतलब कि मेरी नजर नहीं हट रही थी कि भाई क्या होगा आगे, लेकिन फाइनली वो अच्छा अच्छा हो गया। लेकिन मैं कहूंगा इस मूवी को एक बार तो देखना बनता ही है, क्योंकि ये हम लोग को सीख भी देती है और कसम से इमोशनल भी कर देती है। तो भाई लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखना, और अगर तुमने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट बताओ कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस। तो बस इस वीडियो को यही खत्म करने का वक्त आ चुका है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो मैं चलता हूं आप लोगों के लिए नया कंटेंट ढूंढने। तो चलिए, नमस्ते।